हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1.8 ऑफ NBHM MSC 2017 एग्जाम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू M2R। M2R मतलब ऑल द मैट्रिसेस विद 2x2 ऑर्डर एंड एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर सच दैट विच इज़ ऑर्थोगोनल एंड टू एज एन आइगन वैल्यू। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो सब यूनिट मॉडुलस की होती हैं, तो 2 कभी भी आइगन वैल्यू नहीं बन सकती ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो फॉल्स है। अब ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है कि क्या कभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू आयोटा बन सकती है? तो बिल्कुल बन सकती है फ्रेंड्स। देखो कैसे, हमें पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जितनी भी आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो यूनिट मॉडुलस की होती हैं, तो ये बन सकती है। अब देखो, अगर आप ट्राई भी करोगे तो बहुत सिंपल सा टास्क है। देखो, आपको बेसिकली अगर आयोटा आइगन वैल्यू बनानी है तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अगर आप इस तरीके का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसे आप बना पाए तो वहाँ से आप आगे ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली हम लिखते कैसे हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। तो अब आप क्या करो कि ट्रेस ऑफ ए को 0 रखो, क्योंकि यहाँ एक्स का मल्टीपल कुछ नहीं है, तो मैंने दोनों एंट्रीज को 0 रख दिया। अब उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना बनाना है, 1, तो यहाँ माइनस 1 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके ट्रांसपोज से भी मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि ए ट्रांसपोज ए बराबर आइडेंटिटी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। नहीं तो फ्रेंड्स मैं कैसे बोलूँगा कि ये मेरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। तो आप यहाँ पर ईजिली देख सकते हो कि यहाँ पर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो अगर आइडेंटिटी आ गया तो मुझे एक मैट्रिक्स ए ऐसी मिल गई कि जो ऑर्थोगोनल है, और उसकी आइगन वैल्यू कितनी है, आयोटा, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस आयोटा आएगा। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आयोटा भी आ गई और माइनस आयोटा भी आ गई। अब मैं बात करूं फ्रेंड्स मेरा जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है कि अगर आपकी ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तब आपका जो नॉर्म ऑफ ए एक्स है वो आपका नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू R2। तो अगर सही है ये तो इसे प्रूफ करके दिखाओ, और अगर ये गलत है तो काउंटर एग्जांपल बताओ। तो सबसे पहले हम प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। तो मुझे पता है कि अगर मैं इनर प्रोडक्ट ऑफ ax करूं तो इसका मतलब क्या होता है, नॉर्म ऑफ ax का होल स्क्वायर। अब मैं इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से इसे कैसे लिख सकता हूं, यहां पर x और ये जो मैट्रिक्स है इसका हम लिखते हैं कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज, उसको बोलते हैं थीटा, ए थीटा ए मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब मेरी जो मैट्रिक्स है वो उसकी सारी एंट्रीज रियल नंबर से हैं, तो जो कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज है वो बेसिकली ट्रांसपोज होगा। अब हमें मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल दी गई है तो ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, और आइडेंटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स ही आ जाएगा। तो एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ किसके इक्वल हो गया, नॉर्म ऑफ ए एक्स के होल स्क्वायर के। और ये क्या है हमारा, ये मेरा नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। तो नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर नॉर्म ऑफ ए एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि जो आपका नॉर्म ऑफ एक्स है वो नॉर्म ऑफ ए एक्स हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी ट्रू हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड सी ट्रू है। थैंक यू फ्रेंड्स।